इन दोनों का जंग कब तक चलने वाला है। तो इसराइल ने लाठी का जवाब कुलाड़ी से देना शुरू कर दिया। पूरी अफ्रीका ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब हिज़्बुल्लाह टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाया, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करते, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हालत अभी हमाज का भी हो रखा है। सेवन अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे ज़्यादातर इजरायली लोग सो रहे थे और कुछ अभी उठे ही थे, तभी जोर जोर से एयर रेड साइरेंस बजने लगता है, जिसका मतलब है कि खतरा महसूस हो चुका है। जिसके बाद 5,000 रॉकेट एक साथ इजरायल के ऊपर फायर होने लगते हैं। हालांकि इजरायल के पास सबसे ताकतवर सिस्टम आयरन डोम सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी एक्टिवेट होता है और खतरा महसूस होने पर हवा से आने वाली चीज़ों को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और जाके उनको हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये भी माना जा रहा है कि कुछ चाइनीज हैकरों के थ्रू इसको हैक किया गया और सारा कंट्रोल उनसे छीन लिया गया। इसके बाद इसराइल के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं बचा। उसके बाद 5,000 रॉकेटों से इसराइल पर फायर किया गया, जिसके अंतर्गत हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए, हजारों लोग इधर उधर भागने लगे, कराने लगे, चिल्लाने लगे। ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, बूढ़े बच्चे औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि औरतों को नंगा बनाकर किडनैप किया गया और उनके साथ गलत गलत व्यवहार किया गया। इसराइल को ये बिल्कुल भी भनक भी नहीं था, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से इन पे वार किया गया। अब इसराइल क्रोध में आ चुका है। इसराइल ने कसम खा लिया है कि हमास को पूरी तरीके से मिटाना है। Israel didn't start this war. Israel will finish it. I want to thank President Biden for his unequivocal support. अब सवाल ये आता है कि इन दोनों का जंग कब तक चलने वाला है। अगर ये जंग इसी तरीके से चलता रहा तो बाकी देशों पे इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। तो वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरा नाम है शिवा पंगेनी और आप देख रहे हो शिवा समथिंग यूनिक चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद आपका जो भी फीलिंग है, जो भी आपका रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अभी जंग चल रहा है कब तक चलने वाला है। ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये जंग आखिर क्यों चल रहा है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बिल्कुल शॉर्टकट और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि 2006 के चुनाव में हमाज गांजा की लीडिंग पार्टी बन गई, जिससे इंक्रीज हुआ वायलेंस। इंक्रीज होने से इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी कि आर्थिक संसाधन में काफ़ी गिरावट देखने को मिला, जिसके बाद इजराइल और अदर कंट्री ने लीडिंग पार्टी को सपोर्ट करने से मना कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि इजराइल और इजिप्ट ने उसके तटीय तट यानी कि कोस्टियल स्ट्रिप पर नाकाबंदी करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी जारी है। इस युद्ध के पीछे दूसरा बहुत बड़ा मेन रीज़न भी है, जो कि जब हमाज आज़ाद हुआ था तो उसके साथ साथ ये फिलिस्तीन को भी एक इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग करता रहा। 2007 से लेकर अभी तक हमाज ने इसराइल पर 4 बड़े अटैक कर चुका है। हमाज का ये भी मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन का एक बहुत बड़े हिस्से को कब्जा कर रखा है। हालांकि इन दोनों के युद्ध का बहुत सारे अलग अलग रीज़न है और एक और रीज़न है जो कि अपने अपने धर्म को लेकर भी इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। तो यही कुछ रीज़न है जिसके कारण इन दोनों के बीच इतना बड़ा युद्ध हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर इन दोनों का जंग कब तक चलने वाला है। अगर मैं आपको सिंपल और सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो ये जंग तब तक चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाए। हमास पीछे हटने नहीं वाला, इसराइल छोड़ने नहीं वाला। अब इन दोनों का ये तो चल ही रहा है, तभी सामने आया है लेबनन। अब ये लेबनन कौन है? लेबनन का नाम आपने शायद ही सुना होगा। लेबनन देश से इसराइल को पुरानी दुश्मनी है। इसी दुश्मनी को डिफीट करने के लिए पैदा हुआ है हिजबुल्ला। अबे हिजबुल्ला कौन है? हिजबुल्ला एक सिया टेररिस्ट ग्रुप है जिसका उद्देश्य है इसराइल को डिफीट करना और वेस्टर्न देशों को मिडल ईस्ट से बाहर धकेल देना। हिजबुल्ला ने तो ये भी साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन और हमास के साथ साथ है। पिछले कुछ दिनों में तो इसराइल और हिजबुल्ला ने एक दूसरे पर मिसाइल चलाना भी शुरू कर दिया है। अगर इस जंग में हिजबुल्ला पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो गाजा तक सीमित था वो इसराइल और हमास तक आ पहुंचा, और ये चीज़ पूरी मिडल ईस्ट तक फैल सकती है अगर सिर्फ हिजबुल्ला ग्रुप इसमें शामिल होती है तो। अब ये युद्ध रुकने की बजाय वर्ल्ड वॉर 3 को इन्विटेशन दे रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका कल्पना मैं सोच भी नहीं सकता। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो महंगाई आसमान छूलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी, हर देश में अपने अपने धर्म के नाम पे जंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ मेरा और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस जंग को, इस युद्ध को कैसे रोका जाए, ना कि इसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि एक बार वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया तो बैठ के रोने का कोई भी मतलब नहीं बनता। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया तो सारे देशों पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो अभी सिर्फ उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसको रोका कैसे जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और किसी उद्देश्य के साथ मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।